राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू मीना एंड फैमिली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। और आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए नया साल जो है वो बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप लोगों की सभी जो मनोकामनाएं वो भगवान पूरी करें। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज ना बहुत दिनों बाद दिल्ली में, बहुत दिनों बाद क्या मतलब 3-4 दिन बाद दिल्ली में आज धूप आई है, अच्छी वाली खुल के धूप आ रही है। और सूर्यदेव ने बड़े अच्छे से दर्शन दिए हैं। सुबह लग नहीं रहा था कि धूप आएगी अच्छी, बट जो भी है इसका फ़ायदा उठाया जाए। जब आई है तो भाई खूब अच्छे से इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मैं भी आज आके धूप में बैठ गई हूँ अपना काम निपटाने के बाद। दिन का काम जो है वो अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरा सुबह का और दिन का जो भी रूटीन है सब आपने देखा ही है। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ मैं लिंक दे दूँगी, ऊपर आई बटन में आप वीडियो देख लीजिएगा कि मैं दिन भर में क्या क्या करती रहती हूँ। वैसे डेली का कोई मतलब ऐसा रूटीन नहीं है, फिक्स रूटीन नहीं है मेरा, कुछ जो जैसा जैसा काम होता है मैं उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और विंटर्स की बात चल रही है तो आपको बता दूंगा, इस विंटर ही साल भर का सबसे ऐसा अच्छा मतलब टाइम होता है जिसमें ना आप बहुत अच्छे से जम के खा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं ये अमरूद, मुझे ना मतलब विंटर्स में जो सीजनल फल आते हैं ये सब बहुत पसंद है। जैसे अमरूद खा लो, है ना, और किन्नू आते हैं रसीले से, तो बहुत सारी फल सब्जियां जो है वो विंटर्स में आती हैं। तो हमें ना इन सब का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर खाना चाहिए, क्योंकि विंटर ऐसा समय है जिसमें हमारा जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट भी हो जाता है और साथ ही साथ ये हमें बहुत फ़ायदा भी पहुंचाता है ना, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो विंटर्स ही ये 3-4 महीने ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर में हम जो भी खाते पीते हैं ना उसका पूरा साल भर में हमारे बॉडी में असर रहता है। ठीक है, कहते हैं ना जो विंटर में खाया वो पूरे साल भर नजर आता है, और हमारे फेस में, हमारी हेल्थ में। ठीक है, और इसी सीज़न में ना हम अपना मतलब हमारी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, हमारे स्किन केयर, हेयर केयर, जो हम जो भी करेंगे ना अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने फिटनेस के लिए, वो देखिए आपको ज़रूर उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा सा आपको नज़र आएगा। तो विंटर्स में ना आलस ना करके अगर हम ये सब चीज़ें करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मतलब लोग देखकर आपको एकदम से बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या किया जो इतना मतलब इतनी रौनक आप में नज़र आ रही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये अमरूद का आनंद लेते हैं। आप लोग भी ना पूरे विंटर्स के सभी सीजनल फल सब्जियां जरूर खाना, गाजर, चुकंदर, है ना, आजकल बहुत आ रहा है, मूली आ रही है, और फ्रूट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, है ना, तो पपीता वगैरह ये सब चीज़ें खाइए, अमरूद खाइए, किन्नू खाइए, रसीले फल खाइए, और जूस पीजिए, इन सब चीज़ों का जूस पीजिए, फलों का, सब्जियों का जूस पीजिए। बहुत सॉफ्ट है, जूसी तो है, टेस्ट भी अच्छा है, थोड़ा खट्टा मीठा सा है। तो ऐसे फलों का स्वाद लेते हुए धूप में बैठकर कोई भी काम भी किया जा सकता है, बट मैंने क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं आ रही थी तो कल मंडी गई थी, मेथी लेके आई थी, मटर लेके आए थे, तो वो मैंने ना रात को ही छीले, मुझे नहीं पता था धूप आएगी, नहीं तो मैं अभी आराम से धूप में बैठ के छिलती। वैसे मम्मी ऐसे काम करती है ना धूप में बैठ के, है ना, दिन में कम से कम 2 फ्रूट तो जरूर खाइए, 1-2 नहीं तो 1 सही, पर खाना जरूर, है ना। चलिए मैं 1 फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लोग नए साल में कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, तो मैंने भी आपसे शेयर किया था ना कि मैं भी कुछ नया करने वाली हूँ अपने लिए। तो क्या होता है ना, अपने लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते, तो मैंने सोचा यार इसकी मैं भी ना अपने लिए समय निकालूंगी, मतलब अपनी केयर के लिए समय निकालूंगी, अपने लिए समय निकालूंगी, जो मेरा पर्सनल टाइम होगा, मतलब कि जिसमें मैं सिर्फ अपने लिए ही कुछ ना कुछ करूंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो मैं ना अपना स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन ये सब स्टार्ट करने वाली हूँ, और साथ ही साथ मतलब अपना हेल्थ केयर रूटीन, तो ये सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व करने वाली हूँ इस साल। तो आप भी देखिएगा कि क्या करती हूँ और कैसे कैसे इम्प्रूव होता है, क्या कुछ चेंजेस होते हैं मेरी मतलब मेरे अंदर, तो आप भी नोटिस करते रहिएगा, और उसके लिए आपको बने रहने पड़ेगा मेरे चैनल के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो अच्छा लगता है यार अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो, तो चाहे अच्छा नहीं भी कर रहे, बुरा कर रहे हैं, तो यार आप वही कमेंट कर दो, कुछ तो करो, है ना, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि चैनल में आ गया और भी कुछ बहुत अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि
जो मैं स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन कर रही हूँ उसका ना लाइव रिजल्ट आपको मैं दूंगी अपने चैनल के अंदर। लाइव रिजल्ट का मतलब है कि जो भी मैं करूँगी मैं करती भी रहूँगी और आपको ना साथ साथ इसका रिजल्ट मेरी वीडियोस के माध्यम से आपको मिलता रहेगा कि डे बाय डे क्या चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मैं अगर स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और हेयर केयर में कुछ कर रही हूँ तो क्या मतलब उसका रिजल्ट है, वो आपको लाइवली एक तरह से मिलता रहेगा मेरी वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। और मैं फिटनेस के लिए भी कुछ कर रही हूँ तो वो सब चीज़ें कि मैं अपना कितना वेट, मतलब क्योंकि थोड़ा सा होता है ना सर्दियों में मोटे हो जाते हैं खा पी के, तो कितना वेट हम लॉल के बच्चे हंस रहे हैं उधर से, कितना वेट लूज मैं करूंगी या क्या करूंगी, मतलब सब कुछ आपके साथ लाइव रिजल्ट के साथ मतलब पूरा आपको मिलेगा। और आप बने रहिएगा चैनल के साथ तो ही आप इस चीज को मतलब देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी तो बहुत सारी बातें हो गई हैं और आगे का क्या रूटीन है। मैं अपनी जो आज स्किन के लिए जो मैं, आप देख रहे होंगे मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो स्किन के लिए जो मैं क्रीम बनाने वाली हूँ वो सबसे पहले मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम अपनी स्किन के लिए विंटर क्रीम बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हमें एक डिकॉक्शन तैयार करना है और उसके लिए हमें चाहिए कम से कम 2 कप पानी। तो ये 1 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और कप हमें यही वाला यूज़ करना है जो कि, और पानी हमें जो है वो हमें मिनरल वाटर यूज़ करना है, ठीक है। मिनरल वाटर जो हम मतलब कि पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही पानी हमें इस डिकॉक्शन के लिए यूज़ करना है। तो ये 2 कप पानी मैंने ले लिया है, चाय वाला कप आप ले लेना, ठीक है। हम रख देंगे गैस पे सबसे पहले। अब इसको ना पानी को हमें अच्छे से बॉयल करना है और सिर्फ पानी बॉयल नहीं करना, इसमें हमें डालनी है ये ग्रीन टी, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन टी लीव्स ले सकते हैं, मेरे पास ग्रीन टी लीव्स हैं आप देख रहे होंगे लिफ्टन की, और टी बैग्स भी ले सकते हैं। अगर टी बैग्स ले रहे हैं तो 2 टी बैग्स ले लीजिए आप, और मैं इसमें 1 चम्मच ये ले लूँगी। तो देखिए ये कुछ हरी पत्तियाँ इस तरीके से आपको दिखेंगी, इनको हम इस पानी में डाल देंगे और इसको ना हमें अच्छे तरीके से खौलाना है पानी को, ताकि पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर पूरे तरीके से आ जाए और ये पानी रह जाए सिर्फ 1/2 कप, ठीक है। तो हमें इतना ही चाहिए कि ये 2 कप पानी 1/2 कप हो जाए। और ये ना जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, DIY बता रही हूँ, ये DIY ना मुझे किसी ने चैलेंज दिया था, बोला था कि भैया इसको यूज़ करके देखिए और फिर आप देखिएगा इसका जादू। तो मैंने कहा चलिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या जादू करता है ये, ठीक है। तो आप भी अगर मेरे साथ इस चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी इसको यूज़ कीजिएगा और देखें फिर क्या चमत्कार होता है, भैया लाइव रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा क्या होता है, कमाल। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पे और थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो देखिए जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आगे और जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं ये सब, ठीक है। तो अब मैं इसमें यूज़ करूँगी सबसे पहले ये गुलाब जल, तो गुलाब जल डाल लेते हैं। ये है 1 चम्मच गुलाब जल, ये मैंने ले लिया है। और अब इसमें मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल, तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास मतलब प्लांट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं आप तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेश निकाल के, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप मार्केट बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वाओ का मंगवाया था, आपको मैंने दिखाया था कि मैंने मंगवाया है होम रेमेडी के लिए। तो ये मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है और अब इसमें जाने वाला है ये बादाम का तेल, ठीक है। देखिए ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बादाम का तेल। अब हम इसको डिकॉक्शन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये एक क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए, ठीक है। इतना ज़्यादा इसको फेंटना है कि ये बिल्कुल क्रीम जैसा बन जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा और क्रीम का वो ले लेगा। आप देख रहे होंगे ये चेंज हो रहा है और क्रीम टेक्सचर में आ रहा है, एक क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो रेडी हो गया। और ये सभी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं कमाल करने वाली हैं आपकी स्किन पे, आपकी स्किन को ग्लोइंग करेंगी, विंटर्स में हाइड्रेट रखेगी स्किन को
और जो भी पिगमेंटेशन और पैचेस, जो भी मतलब आपके डार्क सर्कल, जो भी चीज़ें आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उन सबको प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो ये जो है मैं भी इस चैलेंज को ले रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या सच में ये वर्क करने वाला है या नहीं। मतलब जो कुछ कहा गया इसके बारे में वो ये कम्प्लीटली अपना रिजल्ट देगा या नहीं। और किसी भी चीज़ को करने के लिए बोला गया कि कम से कम 7 दिन तो लगते हैं, तो आपको रेगुलरली ना इस क्रीम को 7 डेज तो यूज़ करना ही है, उससे ज़्यादा आप कब जितना भी यूज़ कर सकते हैं। तो 7 डेज में आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक दिन में किसी भी चीज़ का कोई रिज़ल्ट आपको कभी भी नहीं मिलता है, कम से कम आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 डेज में कम से कम आपको इसको यूज़ करना है, लगातार 7 दिन तक आप इसको यूज़ कीजिएगा और फिर देखिएगा कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और अगर किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, मतलब कुछ भी हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 21 दिन तो लगते ही हैं। तो 21 डेज में हमें बेस्ट रिज़ल्ट सामने देखने को मिलता है और उससे भी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट हमें 3 मंथ में देखने को मिलता है। तो हम इसको कम से कम 7 डेज इसको लगातार यूज़ करें, फिर देखें कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर फ़र्क पड़ता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं 21 डेज के लिए और फिर आगे और लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, देखते हैं भाई, चैलेंज है, एक्सेप्ट करके देखते हैं। आप भी से मेरे साथ चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और लाइव रिजल्ट इसका आप खुद से देख सकते हैं करने के बाद, है ना। और इसको अगर हम एज अ नाइट क्रीम यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हमने इसमें जो हमने यूज़ की हैं वो चीज़ें ना रात को बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, हमारे फेस पर ना, हमारे चेहरे पर ना वर्क करती हैं। और देखिए डिकॉक्शन भी यूज़ रेडी हो गया है, देखिए कितना रह गया, बहुत कम रह गया है, तो यही हम इसके अंदर डालने वाले हैं। और इन सभी चीज़ों के अंदर ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी, जैसे रिंकल्स वगैरह जो हैं, झाइयाँ वगैरह जो, उसको भी प्रिवेंट करेगा। तो बहुत कमाल का होने वाला है, तो चलिए चैलेंज बहुत कमाल का होने वाला है। तो चलिए देरी ना करें, क्योंकि देखिए इसमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो गए हैं, आप जानते ही हो कि ये सब चीज़ें कितना कमाल करती हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और साथ ही साथ हमारे फिटनेस में भी, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ कमाल का रिज़ल्ट ज़रूर ही देखने को मिलेगा। देखिए हमारे आसपास होता है पर ना हम यूज़ करते नहीं हैं और हमें पता नहीं होता, या पता भी होता है तो हम करते नहीं हैं उस काम को। तो भाई मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, इस नए साल की शुरुआत के साथ मैंने भी शुरुआत कर ली। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो प्लीज़ आगे बढ़िए, कदम उठाइए और फिर देखिए कमाल। तो देखिए मैंने इसको ना स्ट्रेन कर लिया और स्ट्रेन करके मेरे पास आधा कप ही रह गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 कप से आधा कप होना चाहिए, तो आधा कप रह गया है। अब मैं इसको ना यूज़ कर लूँगी और इस ये जो पत्तियाँ बची हैं ना इनको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा कुछ पोषण बाकी बचा है। तो मैं तो भाई इनको ना अपने एक कपड़े में, तो फ्रेंड्स इसे ना मैं कॉटन के कपड़े में ले लूँगी और उसको ना मैं अपने आईपैड की तरह यूज़ कर लूँगी, मतलब आँखों में रख लूँगी डार्क सर्कल पे। तो इसको भी मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। और चलिए अब ये जो डिकॉक्शन हमारा यूज़ तैयार हमने किया है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड ही है तो वो भी जाता है ना, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको इसमें मिक्स कर लीजिएगा। इसमें इन सब चीज़ों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, तो आपकी जो एजिंग प्रॉब्लम्स है उनको भी, उन पर भी ये कमाल का काम करने वाला है। तो ये हम मिक्स कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और लिक्विड ही हम कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, तो हमारा ये कुछ इस तरीके का बन गया। इसको आप एक स्प्रे बॉटल में रख लीजिए और या फिर किसी बॉक्स में रख लीजिए, क्रीम बॉक्स जो होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी क्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट क्रीम बनकर तैयार हुई है। तो इसका रिजल्ट तो भैया यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल बनके तो रेडी हो गई है, अब यूज़ करेंगे नाइट में। ठीक है, रात को लगा के सोना है। देखिए थोड़ा सा ग्लोइंग लग रही है ना, फ़र्क देखिए आप ऊपर और नीचे की स्किन में कितना फ़र्क है। तो भैया वर्क तो करने वाली है लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं। चलिए ये तो बन गई भी, मैंने आज आपके साथ शेयर की अपनी DIY क्रीम, है ना, जिसके लिए मैंने ये सब चीज़ें यूज़ की हैं। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका मतलब जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, है ना। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे आज मैं ऐसी क्यों बनी हुई, क्योंकि मैं सोची थी ना आज अपने सर पे मेहंदी भी लगाऊंगी, धूप आई है तो, लेकिन ना क्या करूं, मेहंदी लगा ही नहीं पा रही हूं, क्योंकि मेहंदी भिगाने में भी थोड़ा टाइम लगता है और मुझे पता नहीं था कि आज अचानक धूप आ जाएगी। तो अभी तो फिलहाल मैं मेहंदी नहीं लगा रही हूं, अभी आज इतना ही काम हुआ है। तो
जब भी लगाऊंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मेहंदी। सर्दियों में आप मेहंदी लगाने से अगर डरते हैं तो क्योंकि ठंड लगती है ना, ठंड लग जाती है, सिर दर्द हो जाता है, कई समस्याएं आ जाती है, जुकाम हो जाता है, तो अगर उसका भी एक सॉल्यूशन है अगर आप सर्दियों में मेहंदी लगाना चाहते हैं और कैसे अपने मतलब मेहंदी को गर्माहट के साथ लगाया जाए, ठंड भी ना लगे, जुकाम भी ना होए, कोल्ड भी ना होए, मतलब सिर दर्द भी ना होए, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मेहंदी कैसे लगाएं, उसे जानने के लिए आप मेरे आगे के वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।